पुरी प्रेसिडेंटची भूमिका निभावत आहे आमच्याच क्लबचे प्रेसिडेंट इलेक्ट रोटेरियन सुरेंद्र मनोज आणि त्यांचे तीन शहरी मित्र यांची भूमिका निभावत आहे रोटेरियन संजय बजाज. ही गोष्ट सुरू होतीये एका शहरामध्ये जिथे चार मित्र हे एकमेकांना भेटतायत आणि या चार मित्रांपैकी एक आहे रोटरीचा प्रेसिडेंट. हा प्रेसिडेंट त्याच्या क्लबनी आणि वेगवेगळ्या क्लबनी जे कार्य केलं आहे ग्रामीण भागात ते तो दाखवण्यासाठी घेऊन चालला आहे. तर थोडक्यात काय, तर हा प्रेसिडेंट पब्लिक इमेज बिल्ड करण्यासाठीची जी मोहीम आहे त्याच्यावर तो निघाला आहे. बघूया एक छोटीशी नाटिका. यार ये सुरेंद्र ने हाथ कर दिया यार. क्यों, क्या बात? पांच मिनट में आता हूँ बोला. अच्छा, आधा खंबा हो गया. खंबा? मुझे दिन दहाड़े खंबा सूझ रहा है. वैसे भी इसका टाइम ये ऐसी गिनता है, वैसे भी इसका आधे घंटे में आधा खंबा तो हो ही जाता है. वैसे सुरेंद्र अपने ले जाना कहाँ चाहता है? ये पास के किसी गाँव में वही ले जाना चाह रहा है. कोई रोटरी का प्रोग्राम है कह रहा था, वहां पे बताना चाहता है कि हम रोटरी वाले कैसे काम करते हैं. रोटरी वाले, रोटरी वालों का अपना काम दिखाना ही सबसे बड़ा काम है. वैसे भी ये रोटरी वाले तो काम ऐसा दिखाते हैं जैसे ताजमहल खड़ा किया इन्होंने. भैया ताजमहल तो मैं भी खड़े कर सकता हूँ. अच्छा, पर अपनी बीवी जिंदा है ना भाई. चलो चलो यार, क्या टाइम पास कर रहे हो? देर हो रही है. टाइम पास हम कर रहे हैं. ठीक है, काम तो सिर्फ रोटरी वाले करते हैं. मारो मारो ताने मारो, आज तुम्हें रोटी का काम दिखाऊंगा, फिर ही बोलूंगा. हाँ रहने दो रहने दो. रोटरी के काम और सरकारी योजनाओं के नाम ये सिर्फ अखबार में अच्छे लगते हैं, दिखाई नहीं देते. रोटरी का काम दिखता नहीं क्योंकि हम दिखाते नहीं है. सदियों से रोटरी अपना काम शांतिपूर्वक बिना किसी हो हल्ले के करते आ रहा है. वाह मेरे शेर, क्या डायलॉग मारा है, शाबाश. आदमी जब काम करता है तो बोलना अपने आप सीख जाता है. चलो भाई, आज मानने वालों में से है नहीं है, चलो जाके से काम देख कर. चलो एक बार देखिए. चलो चलो. बच्चा ये देख मेरी रम्मी हो गई, आज मैं फिर जीत गया और तुम हार गए. अरे यार बाबा, हमेशा जीतते कैसे, हम हार कैसे जाते हो? जीतना हारना तो सब मोह माया है वत्स. मैं जीता तो क्या जीता, तुम हारे तो क्या हारे. शुरू जाना बेवड़ा, आज बिना पिए बड़बड़ा रहा है, वरना बाबा का प्रवचन तो रात में शुरू होता है डालने के बाद. अरे ये कल रात के बॉटल के बाद का असर है. लोगों को उल्टियां आते हैं, किसी को चक्कर आते हैं, और ये प्रवचन देता है. कल देसी पी थी ना, इसके आज हिंदी में बात कर रहा है. जिस दिन अंग्रेजी पीगा तो अंग्रेजी में बड़बड़ गए अपना बाबा. अरे अज्ञानी मूर्ख बालको, अपने चित्त चक्षुओं पर पढ़ाइए मोह माया का पटल हटाओ, तब तुम भली भांति संसार की सत्य सत्यता से अवगत हो जाओ. चलो पढ़ पढ़ आगे पढ़ पढ़ मैं पॉइंट लिख देता सबके. तब तक लो आ गए, लो आ गए हम हमारे रोटरी के गांव में. आप ये विद्यालय देख रहे हो, यहाँ पर हमने ई लर्निंग सिस्टम दिया है. यहाँ के टीचर लोगों को हमने ट्रेनिंग करवाई है. यहाँ के बच्चों के लिए हमने स्कूल में लाइब्रेरी दी है, एक बड़ा अस्पताल लाइब्रेरी दी है. यहाँ के बच्चों के लिए हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिए है, जहाँ बच्चे खेलने का कूदने का आनंद लेते हैं. और ये अस्पताल देख रहे हो, यहाँ पर हमने रोटरी के कई मेडिकल प्रोजेक्ट करवाए हैं. आप ये जो देख रहे हैं नदी शुद्ध पानी देख रहे हो, इसका ये पानी आज रोटरी ने खुलीकरण और रुंदीकरण किया है. इसका इस वजह से गाँव का जल स्तर भी बढ़ा है और गाँव सुजाम सुफलाम हुआ है. काम तो तुमने बहुत सारे किए, लेकिन इनका आम पब्लिक को फायदा पहुंचता है क्या? पहुंचता पहुंचता है. जमीनी हकीकत तो गांव वालों से बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता. तो चलो गांव वालों को ही पूछते हैं. चलो चलो, वो रहे गांव वाले. नमस्ते नमस्ते नमस्ते. हम रोटरी क्लब से आए हैं.
है? क्या है ये रोटरी, ये किस बाला का नाम है? अरे वो शहरों में पत्ती खेलने वाले का क्लब नहीं रहते क्या? ऐसे कोई एक आधे क्लब से होंगे पत्ती खेलने वाले? ना कोई आता है ना कोई जाता है, यह तो सिर्फ भ्रम है, आत्मा तो अविनाशी और चिरंतन है। ये नॉर्मल नहीं लग रहा मुझे। यही तो रोटी कहीं कम पड़ा है तो अपने प्रचार प्रसार में कम पड़ा है। आज ये समय आ गया है कि हम अपने कार्य का प्रदर्शन करें। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। नमस्कार। बिल्कुल सही कहा सर आपने, मैं इन लोगों का काम कई सालों से देख रहा हूँ, बिल्कुल साइलेंटली काम चलता है इन लोगों का। बहुत बार तो जो लाभार्थी होते हैं उनको ही नहीं पता होता उनकी मदद कौन कर रहा है। मास्टर साहब मैंने तो कभी देखा नहीं इन लोगों के गांव में आते क्या काम करते हैं रोटरी वाले। अरे होश में होगे तो देख पाओगे ना, तुम्हारी लड़की जो 10वीं में फर्स्ट आई है वो भी इन लोगों की बदौलत। पता है कुछ? मेरी बेटी? अरे मेरी बेटी तो है ही बुद्धिमान और मेहनती। जरूर अपने माँ पे गई है। अरे ये रोटरी वालों ने इधर ई लर्निंग स्टेशन दिया, लाइब्रेरी में ढेरों किताबें दी, ये उसका नतीजा है। पता है कुछ? जी हाँ, डिजिटल जैसे कार्यक्रम भी रोटरी लेता है। और तुम निकम्मों का तो घर भी रोटरी की वजह से चल रहा है, पता ही है कुछ? सर हम कमाने खाने वाले लोग हैं। अरे कमाई के पूरे पैसे दारू में उड़ाने वालों, पिछले 3 साल से तुम्हारी बीविया रोटरी बागलखेड़ा स्वरोजगार योजना में उपटन बनाकर बेच रही है और तुम्हारा घर चला रही है। और हम आपके सेहत का भी ख्याल रखते हैं। हाँ यार सुना है इस बारे में मैंने, काफी मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप चलाते हो आप इस गांव। सही सुना आपने, प्लास्टिक सर्जरी कैंप है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज का कैंप है, कैंसर डिटेक्शन कैंप है, मोतियाबिंद शस्त्रक्रिया है, ऐसे कई कैंप हम लेते हैं। LN4 जैसा आर्टिफिशियल लिम का कैंप देके हमने लोगों का जीवन सुधारा है। मेडिकल प्रोजेक्ट में रोटरी बहुत सारे काम करता है ऐसे। बिल्कुल सही। अरे हैंड वॉश स्टेशन, पीने का पानी शुद्ध करने वाली शुद्ध गोलियां, ये कैसे भूल सकते हैं हम लोग? स्वस्थ जीवन की शुरुआत यही से होती है। एक मिनट, आध्यात्मिक उत्थान के लिए आप कुछ नहीं करते? पहले ही पूरा दारू से गांव बर्बाद हो चुका है, अब क्या गांजा पिलाओगे? साहब आप आपका चालू रखो। जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, ऐसी योजना के पहल से आज लोगों का जीवन शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधरा है और मानसिक स्वास्थ्य भी लोगों का सुधरा है। इतना ही नहीं, रोटरी स्वर्ग रथ, रोटरी शव पेटी, मैं तो कहता हूँ ये लोग से परलोक तक पूरी व्यवस्था कर डाली आप लोगों ने। मान लो ये रोटरी का वो एक LIC हो गया, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये तो सही कहा आपने, रोटरी सालों से कई काम अनगिनत काम कर रहा है, जो आप देख रहे हो वो सारे अनगिनत काम चल रहे हैं। पोलियो जैसी बीमारी का उच्चाटन अगर दुनिया से हुआ है ये रोटरी की बहुत बड़ी देन है। अरे साहब ऐसे अच्छे लोग मिलते रहे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। जो मिलते हैं वो नहीं मिलते, जो नहीं मिलते वास्तव में वही मिलते हैं, जो होना है वो नहीं होता, नहीं होता है वही होता है। ये शब्दों की हेरा फेरी नहीं बल्कि हेरा फेरी से भरे शब्द है, यही सत्य है और इसी सत्य के बीच माया का समंदर है। लगता है बाबा का आध्यात्मिक समुद्र में डूबने का वक्त हो चुका है। चलो बाबा, चलो चलो छोड़िए साहब, इन्हें इसी पूरे अवस्था में छोड़कर हम रोटरी का काम आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल चलो।